तो पुणे ना कोरेगांव भीमा में फैलायेली हिंसा छेक मुंबई सुधी पहुंची गई थी। ठेर ठेर तोड़फोड़ और हिंसा ना दृश्य सर्जाया था। जे मामले जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद विरुद्ध फरियाद दाखिल थी गई है। तो पुणे पुलिस आ मामले जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद ने समन्स पाठव्यू छे। आ बन्ने विरुद्ध भड़काऊ भाषण आपवा बदल केस दाखल थयो छे। तो बीजी तरफ आ मामले 300 लोगोनी अटकायत करवामां आवी छे, ज्यारे 25 लोग विरुद्ध फरियाद दाखल करवामां आवी छे। 31 डिसेम्बरे पुणे में भाषण आप्युं हतुं दलितों कार्यक्रम में आ भाषण आपवामां आव्युं हतुं, त्यारे जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद विरुद्ध एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। भड़काऊ भाषण मामले एफआईआर दाखल करवामां आवी छे, त्यारे कही शकाय के मेवाणी मुसीबत में हवे वधारो थई शके छे। तो जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद विरुद्ध एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। भड़काऊ भाषण मामले आ एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। उल्लेखनीय छे कि 31 डिसेम्बरे एक सभा में तेमणे भाषण आप्युं हतुं जेने भड़काऊ गणावामां आवी रह्युं छे। आ भड़काऊ भाषण मामला में एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। तो जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद विरुद्ध एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। भड़काऊ भाषण मामला में एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। उल्लेखनीय छे कि 31 डिसेम्बरे भड़काऊ भाषण आप्युं हतुं अने जेने लईने एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। आ बंने सामे तो खास करीने वात करवामां आवे तो महाराष्ट्र हिंसा पर घमासाण अत्यारे रोकावानुं नाम नथी लई रही, त्यारे जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद ने समन्स पाठवामां आव्युं छे। भड़काऊ भाषण मामला में एफआईआर दाखल करवामां आव्युं छे। आ बंने विरुद्ध